और वहीं कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं। जहां राहुल गांधी बीजेपी पर निशाना साधते नजर आते हैं, वहीं अमित शाह भी कांग्रेस पर जमकर हमलावर नजर आए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के लिए पूरा जोर लगाने वाले बीजेपी चीफ अमित शाह पार्टी को राज्य में सत्ता में वापस लाने के लिए हर जतन कर रहे हैं। रैली से लेकर पूजा पाठ तक सब कुछ चल रहा है। लिंगायत वोटों को साधने अमित शाह उत्तरी कर्नाटक में कोप्पल के गवि सिद्धेश्वर मठ पहुंचे और वहां पूजा अर्चना की। करीब 800 साल पुराना ये लिंगायत मठ एक पहाड़ी के अंदर बना हुआ है। दर्शन के बाद शाह ने ट्वीट कर कहा कि मठ का गरीबों की शिक्षा और समाज के उत्थान के लिए किया गया कार्य प्रशंसनीय है। इससे पहले इस मठ में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी जा चुके हैं। कोप्पल की अपनी यात्रा के दौरान अमित शाह ने राज्य की सिद्धारमैया सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की उपलब्धि राज्य में भ्रष्टाचार, रेप और किसानों के सुसाइड की घटनाओं में तेजी है। इसके बाद भी राहुल गांधी सोचते हैं कि सिद्धारमैया उनके लिए चुनाव जीतेंगे। अमित शाह ने दावा किया कि कर्नाटक में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। अब 14वां चुनाव कर्नाटक में होने वाला है। आप सभी लोग यहाँ बैठे हैं, वो दूर 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 मेरी माताएं बहने पेड़ के नीचे बैठी है, भाई पेड़ के नीचे बैठे, सब बताए कर्नाटक में क्या होने वाला है, जरा जोर से बताइए और जोर से बताइए क्या होने वाला है। ये राहुल बाबा अभी अभी घूम रहे हैं पूरे कर्नाटक में, जानते हो ना राहुल बाबा को? राहुल बाबा मोदी जी को एक जोर जोर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे। कर्नाटक में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी जंग और तीखी होती जा रही है। जहां अमित शाह इस जंग में पूरी ताकत झोंक रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी भी पूरी ताकत के साथ इस कर्नाटक की सियासी जंग में जुट गए हैं। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज़।